ऐसा हेडिंग आपका रहेगा और इसी के साथ आज का चैप्टर भी आज हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन पहले केवल सीखेंगे हम लोग। टॉपिक हमारे पास है युग्मन अभिक्रिया। अच्छा देखो, युग्मन का मतलब होता है जोड़ा, और जो आपकी पाठ है जो चल रहा है, जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का, उसमें ये चल रहा है एनिलीन वाला। याद करिए, एनिलीन की बातें हो रही है, और उस एनिलीन से आप जो पढ़ रहे हैं बेंजीन डाई एजुनियम क्लोराइड की चर्चा चल रही है, बेंजीन डाई एजुनियम क्लोराइड की चर्चा चल रही है। तो आज देखेंगे युग्मन अभिक्रिया में होता क्या है ना, कि जब हम लोग बेंजीन डाई एजुनियम क्लोराइड की क्रिया किसी भी अन्य एरोमेटिक यौगिक से कराते हैं, तो उस एरोमेटिक यौगिक से जो बेंजीन डाई एजुनियम क्लोराइड होता है पैरा पर जा करके जुड़ता है। कहाँ जाकर जुड़ेगा? पैरा पर जा करके जुड़ता है। मान इसमें दो एरोमेटिक यौगिक होंगे, एरोमेटिक मतलब बेंजीन के साथ वो जुड़ा रहेगा। तो जो पैरा होता है, पढ़े तो होंगे कि पैरा का मतलब क्या होता है, जहाँ जुड़ेगा उसको छोड़ करके आगे वाला ओ एम पी के गिनते हैं, आर्थोमेटा पैरा। तो पहले तो खाली अब समझना है, लिखना नहीं है, पहले युग्मन अभिक्रिया के बारे में समझो, ठीक है ना। मैंने कहोगे कि जब बेंजीन डाई, खूब आराम से समझना है बाबू। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, क्या इसका सूत्र आपको मालूम है, एजोनियम क्लोराइड की क्रिया, क्लोराइड की क्रिया अन्य एरोमेटिक एरोमेटिक अन्य एरोमेटिक यौगिक से कराई जाती है, यौगिक से कराई जाती है, तो ये दोनों यौगिक पैरा पर जुड़ते हैं, पैरा पर जुड़ते हैं, तो इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे युग्मन अभिक्रिया मत लिखो, पहले समझो ना इसको, वो तुम्हें टाइम मिलेगा 5 मिनट के लिए लिखने के लिए। यार मत लिखो यार, पहले समझो। देखो बाबू, आज हम तुमने कोई हकीकत बताओ, तो कभी भी ना समझना, इस लिखेगा किताब में देखकर भी ना उतार नहीं, पहले तो समझ लो। हाल ही देखा ही बाबू कराई जाती है, तो इससे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, पहले समझो बाबू, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सुनो, इसका आईपीएससी ना पैरा लगा कर लिखते हैं, इसका आईपीएससी नाम पैरा लगा कर लिखते हैं, पैरा लगा कर लिखते हैं। ये तो रहा केवल बात किसकी, युग्मन की। अच्छा, जब भी बात युग्मन के कहेगा तो युग्मन का मतलब होता है बाबू जोड़ा, तो समझना बाबू, तनी ऊपर यहाँ पर देखो, युग्मन का मतलब होता है जोड़ा। देखो, एक लिया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एक तो ये यौगिक हुआ एरोमेटिक, और एक आप अन्य एरोमेटिक ले रहे हैं, दो यौगिक ले रहे हैं, दो और दोनों एक साथ जुड़ रहा है, इसीलिए इसको युग्मन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अब इसमें देखो, पहला जो है किसके साथ क्रिया करा है, फिनाल के साथ क्रिया हो रहा था, ठीक है ना। और किसके साथ क्रिया हो रहा है, फिनाल के साथ, किसकी क्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम का। पहले समझना ध्यान से, युग्मन अभिक्रिया में दो, एगो बेंजीन एगो फिनाल से एगो एनिलीन से, तो पहला आपका क्या रहेगा, फिनाल से क्रिया, फिनाल। अच्छा याद है फिनाल का सूत्र क्या होता है बाबू, C6H5OH। कितने इतने तेज, तो मैं तो आज तक देखा ही नहीं किसी इतने विद्यालय में जाता हूँ, जितना तुम लोग अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, पूरा काम तुम लोग का टाइम से होता है, सब शुल्क वगैरह जितना होता है टोटल टाइम टू टाइम करते हैं सब। 2 दिन के अंदर देखिए सब बच्चे ने कहा कि सर आपके स्कूल के बच्चे 28 तारीख तक पूरा फाइनल कर देंगे, आपका सोच टाइम टू टाइम पूरा सेवा हो रहा है। चलिए, कौन कहता है कि आप लोग अच्छे नहीं है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि अच्छे नहीं है, अच्छे हैं। फिनाल से अभिक्रिया कराना, चलो ले लो, क्या लेना मालूम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, लेकिन कैसे बनाओगे देखो। अच्छा पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता बनाए, ठीक है ना, लिखते हैं हम यहाँ पर कि जब बेंजीन, पहले समझना बाबू, बेंजीन डाई एजुनियम क्लोराइड, याद है ना इसका सूत्र का, बेंजीन के साथ N2 और Cl की क्रिया, की
क्रिया किससे कराता है? फिनाल से, फिनाल से कराते हैं, कराते हैं तो दोनों पैरा पर जोड़ते हैं। किस पर जोड़ते हैं? माने फिनाल का पैरा रहेगा, इसका एन टू रहेगा, तो लिखना तो दोनों ऐसे लिख लो, फिनाल के, फिनाल के पैरा पर जुड़ते हैं, पैरा पर जुड़ते हैं तथा। मालूम है क्या बनता है तथा? क्या बनता है बाबू तथा? क्या बनता है? बनता है पैरा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी बेजो बेंजीन। पैरा अभी बताते हैं आपको, हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी लिख लेना, हाइड्रोक्सी लिख ला बा, हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, एजो बेंजीन बनता है, बनता है। अच्छा इसका रिएक्शन तो शुरू होता है, एकदम ध्यान से समझना, लिखना वगैरह कोई काम नहीं। क्या कहा है कि जब बेंजीन डाइजिनियम क्लोराइड जो कि पहला आपका यौगिक है, और ये क्या ले रहा है? फिनाल जो कि दूसरा यौगिक है, क्रिया कराते हैं तो दोनों फिनाल के पैरा पर जुड़ते हैं। फिनाल का जो पैरा होगा ना, फिनाल का जो पैरा होगा उसमें जुड़ते हैं, तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रॉक्सी ए, हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन। एजो इसलिए कह रहे हैं डाई, आप पढ़े होंगे ना बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम किसको कहा जाता है? नाइट्रोजन। तो देखो कहना जरूर, पहले सुनो, बना लो बेंजीन डाई एजोनियम, ऐसे सुता के बना सकते हैं ना, चाहे खड़ा करके बनाओ चाहे सुता के, बात एक ही होता है, बन गया ये। इसका सूत्र क्या होता है आपको याद है? डबल एन होता है ना, डबल एन होता है, तो ये काम करिए, यहाँ पर प्लस कर लो, यहाँ पर चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड एन लगा लो। देखो इसका होता है एन टू प्लस सी एल, तो आप जानते हो एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, सी एल माइनस लगा दो प्लस। आप किससे क्रिया कराना है? फिनाल से। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखो, सीख लो आज फिनाल का ऐसे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं सर। यहाँ पर ओ एच जोड़ दो, का जोड़ दो? अब बताओ सब लोग, सब लोग मिलकर बताओ, ये क्या होता है? आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, तो यहाँ पर क्या उपस्थित होगा? यच। यहाँ पर क्या उपस्थित होगा? यच। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना इसमें, अब इसकी क्रिया होगी। देखो ये क्षारीय माध्यम में हो रहा है बाबू, कब पूछे ला ना कि क्रिया किस माध्यम होता है, तो यच को, यच तो क्षार की पहचान होता है ना, क्षारीय माध्यम है। अगर यच के ऊपर प्लस होता तो हम लोग कहते हैं अम्लीय माध्यम, वो यच पर है तो क्षारीय माध्यम हो रहा है। तो क्या होगा? देखो आप जान गए होंगे कि सर यहाँ से तो यच और सी एल आपका हटने वाला है, यच सी एल क्या होगा? हटने वाला है। चलिए तो क्या बनेगा जरा देखिए, बनेगा पहले बेंजीन बना लो, बेंजीन हुआ यहाँ भी, मान लो एक ये बेंजीन है, एक ये बेंजीन है, दो गो यन बचा है, तो यन यन बच गया और डबल बांड यन बच गया, फिर सिंगल, क्योंकि तीन होना चाहिए, तो दो गो एक तीन हो गया, इसमें दो गो एक तीन हो गया, इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास यहाँ भी एक बेंजीन बनेगा। देखो ध्यान से, ये भी ये क्या होगा? बेंजीन बनेगा, इसके साथ ये एड हो जाएगा, देखो जुड़ गया, ठीक है प्लस। अच्छा ये बताओ तुम लोग, ओ एच भी तो है शायद यहाँ, तभी तो हाइड्रॉक्सी आप लिखेंगे ओ एच प्लस। अब देखो कहाँ निकलेगा, देखो एच है सी एल है ना, एच है सी एल है ना, तो एक सी एल निकलेगा, एक कहाँ निकलेगा? सी एल, एक सी एल निकलेगा, ध्यान रखना सब लोग, एक सी एल निकल गया और प्लस एच टू ओ निकल गया, एक सी एल निकल गया प्लस कहाँ निकल गया? एच टू ओ निकल गया। सी एल पर माइनस है क्या? हाँ तभी ना बराबर होगा, सी एल पर क्या होगा? माइनस। अच्छा एक एक क्यों माइनस होगा? देखो यहाँ पर एक माइनस है ना इधर, तो रिएक्शन के बाद भी एक लिखा तो माइनस इधर, इसका मतलब है कि इधर है, इसलिए माइनस आपका बराबर होगा। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? ये प्लस के पहले जितना, ये प्लस है ठीक है ना, इसके पहले जितना नाम होगा, नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। चलो इसका क्या नाम होगा? फिनाल, फिनाल। हाँ इसका क्या नाम होगा मालूम है? पैरा पर जुड़ा है ना ये, तो हम बताए थे आपको कि पैरा हाइड्रॉक्सी एजो, हाइड्रॉक्सी एजो, एजो इसलिए क्योंकि डबल एन है, एजो एजो बेंजीन है ना, हाँ बेंजीन पता था ये भाई लेकर चल गए, एजो वाला, ये जो वाला एक एक तो ये जो वाला यहाँ से लेके पैरा हाइड्रॉक्सी, ये जो हो गया, ये वो बेंजीन दिखा जाए।
तो खुल ही ना हो जाएगा, अभी जाली तो लिख लोगे तो समझो पहला रिएक्शन कैसे हुआ है। अच्छा अब दूसरा है बाबू एनिलीन से क्रिया, एनिलीन के सूत्र जानते हो, बेंजीन के साथ एनएच2 जोड़ दो, बेंजीन के साथ कहाँ जोड़ दो, बारह वाले बच्चे ना कभी थकते हैं ना कभी रुकते हैं ना कभी हाँफते हैं, एक लड्डू से संतुष्ट नहीं दो लड्डू खाते हैं। चलिए एनिलीन से क्रिया कराएंगे, एनिलीन का सूत्र सबसे सब लोग को तो याद होगा ना, क्या C6H5। अच्छा जहाँ भी C6H5 है रे चंदन अपने समझ ना रे, एनिलीना के सूत्रवात याद करें, इनके C6H5NH2 होता है, इसका मतलब होता है कि बेंजीन बना दो, बेंजीन बना दो उसके साथ NH2 जोड़ दो। तो देखो ध्यान से अब सुनो कि जब बेंजीन लिखा गया, बेंजीन लिखा गया, जब बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम क्लोराइड क्लोराइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं, किससे कराते हैं, एनिलीन से कराते हैं तो एनिलीन एनिलीन के पायरा पर नया यौगिक का निर्माण होता है, नया यौगिक का निर्माण होता है, किस पर ये भी जुड़ेगा, पायरा पर, ध्यान रखना किस पर जुड़ेगा, पायरा पर, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है पायरा पायरा एमिनो बेंजीन एमिनो एजो बेंजीन, पायरा जंग हार्ड एक्सी लिखाई ले लनु इन एमिनो लिखाई एन एस टू के लिए, पायरा एमिनो एजो, एजो किसके लिए, एन टू के लिए, एजो किसके लिए, एन टू के लिए बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है ठीक है। ये दोनों जानते हो ना इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, जब जुड़ते हैं तो ये हाई जानते लो एनिलीन के सूत्र का होला, बेंजीन के साथ NH2 जोड़ देना, ध्यान रखना आप फिनाइल के क्या होता है। अच्छा देखो सबके साथ में भले बनल हो तो कहा, लेकिन सबके साथ एक एक एच एड है कि नहीं, तभी तो चार होगा ना, अरे एगो हाई है एगो हाई पांडवा दू गो एगो एच तीन गो एक चार गो जाए। हाँ चला एक रिएक्शन लिखेगा हेंगे सुता के बनाओ के बेंजीन डाइजीनियम के, एकदम आपको बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का सूत्र याद हो गया ना सबको, तुम लोग को याद हो जाएगा ना, तुम लोग भूत हो, भूत भूत लोग जो होते हैं माइनस हो गया, ठीक है। चला ये एनिलीन है जो बना लेना, एनिलीन हम लोग को बना लेना है, बनाते हैं एनिलीन, एनिलीन हम लोग को बना लेना है, एनिलीन बन गया एनिलीन, यहाँ पर NH2 लिखेंगे इसके साथ क्या आ जाएगा, ये अच्छा आ जाएगा, यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस है ठीक है, रुक जाओ एक मिनट तो बुझाएगा नहीं आप लोग, ट्रिपल वन यन तब Cl और माइनस प्लस एच एच केवल होगा। अब यहाँ से फिर वही काम होगा, ये क्रिया देखो, अब ये जो क्रिया हो रही है ना ये हमको लग रहा है कि अम्लीय माध्यम में हो रहा है, किस माध्यम है, अच्छा कहेंगे जाने अम्लीय माध्यम है, ये एच प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अम्लीय कि आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्षारीय कि आपको दिक्कत नहीं होगा, वो एच रहेगा राजकुमार बाबू क्षारीय कहेंगे, ये एच प्लस रहेगा अम्लीय, तो बनेगा का जो अब जगह जुड़े थे ना एच और Cl हट जाएगा सब, तो देखा यच है यच सब हट जाएगा, केवल एक ये बेंजीन बना लो, कितना अच्छा केमिस्ट्री, बहुत मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने, बता दिया अगर आप सीख जाए तो, यहाँ पर यान डबल बांड रहेगा केवल बाबू यान, और यहाँ पर बेंजीन जाए रिनियम जो है उसी बना लो, डबल 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 छोटी वाली, ये आपका डबल छोटी वाली है, इसके साथ NH2 जोड़ दो प्लस Cl पर माइनस प्लस H2, इसका नाम बोलो बेंजीन डाई एजोनियम, क्यों एजोनियम कह रहे, क्योंकि N2 है और Cl है तो क्या लिखेंगे क्लोराइड, इसका क्या नाम होगा एनिलीन, एनिलीन इसका क्या नाम होगा पायरा पायरा एमिनो, एमिनो इसलिए क्योंकि NH2 है, पैरा एमिनो लिखो उसके बाद से N2 के लिए एजो लिखो, आई दू का बेंजीन मत एक लिखा जाए बेंजीन, ठीक है
तो दोनों प्रकार का अभिक्रिया को हमने देखा। अब आप लोग आराम आराम से लिखिए, ठीक है। और एलिफैटिक अमीन का उपयोग, एरोमेटिक और एलिफैटिक अमीन का उपयोग। अच्छा, इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं पहले तो ही जान जाओ कि इसका उपयोग हम औषधि बनाने में तैयार निश्चित रूप से करें। एलिफैटिक या एरोमेटिक जो अमीन है, पहले तो इसका उपयोग एकदम जानते होंगे, इसका उपयोग हम लोग औषधि बनाने में करते हैं। दूसरा ही जान जाओ, इसका प्रयोग हम लोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। जीवाणुनाशक मतलब कि कोई जीवाणु है, कोई विषाणु है, उसको अगर नष्ट करना है, समाप्त करना है, तो उसके रूप में भी एरोमेटिक अमीन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तीसरा, इसका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं। किसका? एरोमेटिक या एलिफैटिक का। लिख लो कुछ क्वालिटी, लिख लो बाबू, एरोमेटिक और एलिफैटिक अमीन का प्रयोग। पहला लिखो एरोमेटिक और एलिफैटिक एमीन का प्रयोग, एमीन का प्रयोग, एमीन का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। औषधि जानते हो ना, खजूर हुआ तो दवाई खाओगे तभी तो दूर होगा, उसको बनाने में देता है। अरे याद करो, तुम्हारा पूरा शरीर का पकड़ता आज में छूट गया है तो चमक रहे। जीवाणुनाशक और विषाणुनाशक में देखो, खजूर होना भी सही है, नया चमड़ा जमता है वहां पर। ओके, माना झड़वा जाता है भाव, मारे अगर तुमको पकड़ा तो पादों में तुमको पकड़ सकते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में देख लो जल्दी सर। देखो एक क्वेश्चन बाबू आपके पास है, प्रश्न संख्या आपका है 117 पर, अवतार में 117 पर है। निम्न में से कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? कह रहा है कि निम्न में से, तो समझो ध्यान से बाबू, कौन यौगिक फैलिंग विलयन को अपचयित तो नहीं करता है। चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला आपका CH3COOH, दूसरा आपका HCOOH, खूब ध्यान से समझते चलेंगे सब लोग। तीसरा आपके पास है HCHO, अच्छा चौथा ऑप्शन आपके पास है CH3CHO। अच्छा ये बताओ, कोई भी आपसे पूछे कि फैलिंग विलयन की, पहले बात समझो, याद करो, किसी को याद है फैलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है, किससे क्रिया कराते हैं? हाँ एकदम सही, लड़का बोला, हम बोला नहीं कि फोकर लग गया को, तो फैलिंग का मतलब क्या होता है कि प्रश अक्साइज चुके हैं। तो देखो वो तभी क्रिया करेगा फैलिंग विलयन जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्डिहाइड है ना, ये देखो इसका नाम सब लोग याद है, पीछे से कोई बताओ लड़कों में, पांचों छो लड़के जो बैठे हैं सबसे पीछे वाले, क्या नाम होगा बाबू इसका? IPSC नाम, हाँ एथेनोइक, वही कैसे जोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला बीच वाला बताओ बाबू, तो तीनों मिलकर बताओ, पिंकू नंदू राहुल, क्या नाम होगा इसका? मेथनोइक एसिड। कितने कार्बन है? एक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेथनोइक एसिड।
क्या कहेंगे? मेथनॉइड, क्योंकि सी डबल एच है। इसका नाम बोलो भाई, आईपीएसी नाम बोलो, मेथनॉइड। क्या नाम होगा? अच्छा, मेथनॉइड इसलिए कह रहे क्योंकि ये कार्बन है। इसका नाम क्या होगा? आप प्रश्न भाव कॉमन फेलिंग बिलियन से क्रिया नहीं करते, आप चेत नहीं करता तो कौन नहीं करेगा? आई एस टी कॉमन नहीं करेगा क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, आई दोनों आपका करेगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एजो मेथेन से कराते हैं, डाई एजो मेथेन से कराते हैं तो बनने वाला यौगिक का नाम बताइए। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की, आराम आराम से पढ़ो, ठीक बात, पढ़ को मत घबराना, क्रिया जब जब डाई एजो मेथेन से कराते हैं तो कैसा यौगिक बनता है, तो कैसा यौगिक बनता है, तो कैसा यौगिक बनता है? चार विकल्प ये है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, मेथिल एसीटेट। पहला आपका दिया है मेथिल एसीटेट, दूसरा आपका दिया गया है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, तीसरा आपका दिया गया है मेथेन, और चौथा आपका दिया गया है डी नंबर मेथेन एमीन। मेथेन देखो, जब एसिटिक अम्ल की बात पूछता है तो एसिटिक अम्ल के सब लोग सूत्र जानते होंगे, सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस। क्रिया किससे करा रहे हैं? डाई एजो मेथेन से, तो डाई का मतलब होता है N2 और यहाँ पर सी एच टू, क्योंकि कार्बन के साथ चार होना चाहिए, कार्बन की चार संयोजकता होती है, तो मान लो दो को एच जुड़ जाएगा और दो को N जुड़ जाएगा, और डाई एजो कहा है तो एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। चलो भाई क्रिया होगी, देखो जब क्रिया होगी तो क्रिया होने के बाद इसमें का निकल जाएगा, यच यहाँ से निकल जाएगा, का निकल जाएगा यच, और सी एच थ्री इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा माने बनेगा सी एच थ्री, तो इधर लिख देते हैं, बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री प्लस नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन तो हमेशा आपका अलग होता है, पर नाम क्या होगा इसका? देखो मेथिल, ये सी एच थ्री ले लो एक, चाहे इधर से कोई ले लो, इसका नाम होगा मेथिल एथेनॉइड, नहीं दिया तो एसीटेट ले लो, एक कार्बन है ना इसलिए मेथिल लिखे हम, तो मेथिल एसीटेट। देखो सी डबल ओ जब भी आता है बीच में तो उसको एसीटेट करते हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला मेथिल एसीटेट आपका सही होगा। तीसरा देखो, फार्मली जलीय विलयन है, हम पढ़ाए थे आपको याद करिए, फार्मलिन जलीय विलयन है, मान ये कह रहा है कि फार्मलिन जो होता है ये किससे मिल करके बना होता है, याद है आपको? किससे? फॉर्मल्डिहाइड से बनता है ना, जब फॉर्मल्डिहाइड की 40% मात्रा रहती है, बात समझ रहे हो? फॉर्मल्डिहाइड कितने प्रतिशत? 40, 60% जल रहता है तभी आपका फार्मलिन का क्या होता है निर्माण। तो दल में चार ऑप्शन, एक दिया है फॉर्मल्डिहाइड का, एक दिया है फार्मिक अम्ल का, एक फ्लोरोरिन्स का, एक एसिटिलडिहाइड का, इसमें ए नंबर जो दिया गया है फार्मेल डिहाइड, यही आपके ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे, क्योंकि 40% हिस्सा फार्मेल डिहाइड का होता है और 60% हिस्सा किसका होता है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर कल इसको और क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, लेकिन देखो हम ध्यान से बताते हैं, अगर हम लोग